एंड टूरिज्म के स्टूडेंट्स के लिए आज के सेशन में मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से या आपके सिलेक्शन होने या ना होने के लिए बहुत बड़ा कारण होते हैं। आइए इस चर्चा में हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी की गई उन गलतियों की जिनके द्वारा हमारा सिलेक्शन नहीं होता। ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो गलतियाँ करते हैं वो ये कि हम सेलेक्टिव होकर नहीं पढ़ते। जब भी हम यूजीसी नेट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि वो इस तरह से पढ़ाई करें कि वो सेलेक्टिव पढ़ें। अब सेलेक्टिव पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक को छोड़ना है। जैसे अगर मैं टूरिज्म कंपोनेंट्स की बात करता हूँ तो टूरिज्म कंपोनेंट्स जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, जो भी एग्जांपल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अब इसमें हम सिलेक्टिव क्या होंगे, छोड़ेंगे क्या? कंसेप्चुअल चीज़ों का को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, थ्योरेटिकल चीज़ों को हम ज़रूर छोड़ सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म की जब आप बात करते हैं, जिसमें अट्रैक्शन की बात करते हैं, अकोमोडेशन की बात करते हैं, एमिनिटीज की बात करते हैं, तो इन सब के अंदर जो कॉन्सेप्ट है हमारे सब्जेक्ट का उसका ध्यान रखें, एग्जांपल्स का ध्यान रखें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं। लेकिन जब आपकी पढ़ाई जब आप करते हैं तो उस पढ़ाई को दो तरीके से करने की ज़रूरत होती है। भले आप यूजीसी नेट के लिए तैयार कर रहे हैं, पहले आप मास्टर्स के लिहाज से तैयारी करिए, सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़िए, पहले डिटेल में पढ़िए और उसके बाद उन पर पॉसिबल क्वेश्चंस को बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करूंगा तो ITDC क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये हुआ, आज इसका क्या स्ट्रक्चर है, इंडिया के टूरिज्म में इसका क्या योगदान है, या इसके जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो आपको आंसर करने आने चाहिए। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, सपोज करिए हम बात कर लेते हैं टूरिज्म सेटेलाइट अकाउंटिंग की, तो टूरिज्म सेटेलाइट अकाउंटिंग क्या है, उसके प्रोस्पेक्ट क्या है, इंडिया या टूरिज्म में इसकी ज़रूरत क्या है, या हम जब टूरिज्म के सम टोटल ऑफ फिनोमेना की बात करते हैं तो उसके अंदर दूसरे कॉन्सेप्ट कैसे जुड़ते हैं, ये बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ी गलती हम ये करते हैं, रट्टाफिकेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट है, भले वो पेपर वन की तैयारी कर रहा हो या पेपर टू की तैयारी कर रहा हो, पेपर वन जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग या हम रिसर्च मेथड की बात करें, वहाँ पर भी रट्टाफिकेशन इज नॉट अ राइट मेथड। आपको टेक्निक समझनी है, क्योंकि आपको हमेशा हर चीज़ को याद करके चीज़ों को नहीं पिक करना है। कई बार आपको जिसे कहना चाहिए रिजेक्ट थ्योरी पर भी जाना है। एक क्वेश्चन सब अमूमन अगर मैं आपसे पूछता हूँ जिसमें चार ऑप्शन है, तो कई बार आप सेलेक्टिव वे में ना जाकर रिजेक्टिव मेथड पर भी जाएं और उससे बात करें, तो वो भी एक अच्छा मेथड हो सकता है। एक और चीज़ जो हमारे साथ अमूमन होती है, हम कोई टेक्निक फॉलो करके नहीं पढ़ाई करते हैं। हमारी पढ़ाई का कोई एट्रेंडम या रैंडम तरीका नहीं होता है, हम हमेशा पजेसिव होकर पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें शायद ठीक नहीं है। टेक्निक से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि हम सिंपल अप्रोच रखें कि हमें कोई चीज़ को पहले कॉन्सेप्चुअली क्लियर करनी है, उसके साथ एग्जाम्पल्स लेने हैं और उस पर जो रनिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर बात करनी है। एक और बात, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को करने में हम इन बात को समझें कि 100 प्रश्नों का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सामान्य होते हैं, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं, और बाकी के जो 50 क्वेश्चन हैं उनके अंदर मार्जिन ऑफ सिलेक्शन या रिजेक्शन लगभग सबके लिए बराबर होता है। देयरफॉर जो 20 ट्रिकी क्वेश्चन हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, वो मेरिट को बनाते और बिगाड़ते हैं। इसका मतलब आपको क्वेश्चंस के रेशियो को समझना है, टेक्निक को समझना है, उनमें क्या सेलेक्टिव अप्रोच आपकी रहेगी उसको समझना है। 100 क्वेश्चंस को पढ़ना भी बड़ा आसान नहीं है, तब जब आप ऑनलाइन टिप्स पर काम कर रहे हो। हमने से ज़्यादातर लोग ऑनलाइन फ्रेंडली भी नहीं है, इस वजह से भी एग्ज़ाम बिगड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम गफलत में ना लें, इस पर मैनेज करें, इसको टाइमली डिस्कस करें, तो चीज़ों से बच सकते हैं। और भी सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम फर्दर सेशंस में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, तैयारी के साथ मोटिवेशन जरूर बना के रखिए कि कोई स्पिरिट में मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। हमारी स्पिरिट मंगलवार या सोमवार को हाई होती है, शनिवार आते आते हम
डाउन हो जाते हैं, ये स्पिरिट कभी काम आने वाली नहीं है। अगर हम हर दिन का कोई टारगेट बनाते हैं तो हर दिन अचीव करना है, और अगर वो रिव्यू नहीं होता है तो हम उसे अचीव नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें हैं हमारी स्ट्रेटजी को स्ट्रेटजाइज करती हैं, और कोशिश ये करें कि वीक या वीकेंड में एक बार अपने आप को अपने टॉपिक पर असेस करें। जो भी 10 यूनिट हमारे सब्जेक्ट में सेकंड पेपर में है उन पर डिस्क्रिप्टिव स्टडी करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए। मैंने देखा है कई प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो रहे हैं लगातार, बार बार क्वेश्चन डाउनलोड करते हैं, कीज के बारे में बात करते हैं। उस अप्रोच पर पहले मत करिए, अपनी MBA या मास्टर्स इन टूरिज्म की अप्रोच को दोहराइए और उसके साथ आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।